अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आपका ज़ारिका जायका किचन में। और आज मैं बनाऊंगी जैम, एप्पल जैम, वो भी कुकर में बनाऊंगी। ठीक है, तो झटपट सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो घर में होममेड जैम बनाने के लिए चलिए पहले एप्पल को अच्छी तरह से छिलके उतार लेती हूँ। एप्पल के छिलके निकाल ली हूँ और एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कर ली हूँ और इसको एप्पल को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी दूसरे बोल में डाल के। देखिए, से एप्पल को डाल दी हूँ कुकर में और आधा गिलास पानी ऐड करती हूँ। अब चलिए इन सबको अच्छी तरह से गला लेती हूँ कुकर में। तो ये एक सीटी लग चुका है और एक सीटी लगने दूंगी और हमारा एप्पल गल चुका होगा। तो एप्पल अच्छी तरह से कुकर में गल गया है। अब इसको मैशर से या फिर आप ग्राइंडर भी कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से पूरे एप्पल को मैश कर लूंगी। तो एप्पल अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसको मैं चूल्हे को फिर से जला लूँगी और एप्पल का जो पानी है वो सुखा लूँगी, थोड़ा सा सुखाना है, उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो एप्पल हमारा अच्छी तरह से पानी सोख लिया है, थोड़ा सूख गया है पानी। अब इसमें मैं एक कप चीनी डालूँगी, ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, तीन एप्पल के लिए एक कप चीनी बहुत है। ठीक है, और एप्पल में खुद का मीठापन रहता है इसलिए इसमें ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब चूल्हे को सिम करके धीमी आंच में चीनी को मेल्ट होने दूंगी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा से 1 पिंच नमक, इससे इसका टेस्ट बहुत ही निखर के आएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, 1 पिंच ही। तो चीनी पूरा मेल्ट हो चुका है, ये देखिए चीनी बिल्कुल भी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा से फूड कलर डालूंगी ताकि ये जैम के जैसा दिखे। ये देखिए जैम के जैसा पूरा कलर आ गया है। अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लूंगी। और इसमें ऐड कर दूंगी आधा नींबू का रस। इससे इसका कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा निखर के आएगा। इसको तकरीबन और 10 मिनट पकाना होगा सिम में। तो देखिए हमारा जाम बनके रेडी हो चुका है, ये देखिए कलर भी कितना प्यारा हो गया है। और आप भी घर में जरूर ट्राई करिएगा ये होममेड जाम को। तो चलिए फिर डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये होममेड जाम मेरा बनके रेडी हो चुका है। और आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नियमतों से नवाजे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।